Hey guys, welcome and welcome back to our channel Nursing Basic Education. So आज का वीडियो है BSc Nursing जो थर्ड सेमेस्टर है, अभी जस्ट इनका एग्जामिनेशन ही हुआ है. ठीक है, एग्जामिनेशन हुआ है 22 अगस्त को. और ये जो पेपर का पैटर्न है ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है उसका पैटर्न है. और BSc नर्सिंग जो आपको पता ही है कि अब सेमेस्टर में जो है कन्वर्ट हो चुका है, तो सेमेस्टर वाइज इसके एग्ज़ाम होते हैं. और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जस्ट एक दो दिन पहले इसके ही एग्ज़ाम हुए हैं. और तो देख सकते हैं ये थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट हैं, एक है आपका माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन, दोनों साथ में कंबाइंड करके आता है क्वेश्चन पेपर. और दूसरा है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट. और मार्क्स है आपके 25 मार्क्स और टाइमिंग आपकी 3 आवर्स की है. तो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा सोचा कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं बिना वीडियो बनाए ही बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना वीडियो बना लिया जाए. तो ये पेपर मेरे पास अभी जस्ट आया है. तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले आपको स्वयं पढ़ लें, दूसरे की बातों को यकीन ना करते हुए. और यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी का दिया हुआ है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके दिया हुआ है. और सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में जो आप मार्क्स देख सकते हो 37 नंबर के हैं. और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग ए से क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के हैं. तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व. और क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का था और सेकंड क्वेश्चन है 15 मार्क्स का. तो इसमें 3 क्वेश्चन है, ए एफ बी स्टेनिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन ऐसे देख सकते हो. सेकंड है मलेरिया साइकिल क्या, मलेरिया साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ये 6 मार्क्स के हैं. और क्वेश्चन 3 है इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, रोडेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पे MCQs दिए गए हैं 6 मार्क्स के हैं. पहले MCQs नहीं आते थे, जैसे कि जो एग्जामिनेशन एनुअली होता था, साल में एक बार होता था ईयरली, तो वहाँ पे MCQs नहीं आते थे. पर अब सेमेस्टर तो आ ही चुका है, पैटर्न भी चेंज हो चुका है क्वेश्चन पेपर का. तो और सब्जेक्ट भी कुछ एक दो जो है नए भी यहाँ पे ऐड हुए हैं. तो MCQ में है आपका पहला है कि डैश अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन ट्यूबरक्लोसिस, फर्स्ट है लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और एंटोन वैन लीवेनहॉक. क्वेश्चन नंबर 2 है डैश टाइप ऑफ कॉक्सी अकर्स इन चेन, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और टेट्राइड्स. थर्ड क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड बाई वैक्टर्स टू ह्यूमन. सो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं आपके लिशमैनिया, एंट अमीबा हेस्टोलिका, टॉक्सोप्लाज्मा और जियार्डिया लैम्बली. नेक्स्ट है आपका वेन वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडेड टू अपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इम्यूनाइजेशन, हर्ड इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन और इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाई एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी जी. तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, टाइप फर्स्ट रिएक्शन, टाइप सेकंड रिएक्शन, टाइप थर्ड और टाइप 4 रिएक्शंस. 6 है आपका फंगल इन्फेक्शंस फाउंड ऑन द नॉन हेयरी एरिया ऑफ द ट्रंक इज कॉल्ड टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कैपिटाइटिस और टीनिया क्यूरेस. ठीक है, क्यूरेस. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरह. और ये है इन्फेक्शन एंड कंट्रोल, सेक्शन बी है जो कि 38 मार्क्स का है. तो दो सेक्शन में थे. सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है 10 मार्क्स का कि डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन CSST. और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे कि शॉर्ट नोट क्वेश्चंस जो है 15 मार्क्स के हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस,
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है आपके 6 मार्क्स के इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, कैप्चरिंग ऑफ इंसिडेंट एंड रूट कॉज एनालिसिस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू आ गए हैं कि सबसिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन द होस्ट इज कॉल्ड, फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी इन्फेक्शन, थर्ड है री इन्फेक्शन और फोर्थ है क्रॉस इन्फेक्शन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि इन द हॉस्पिटल इन केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी कोड इज इनिशिएटेड, फर्स्ट है कोड ब्लू, नेक्स्ट कोड रेड, नेक्स्ट कोड पिंक, नेक्स्ट कोड ऑरेंज. थर्ड है आपका पेशेंट्स आर मोर रिस्क ऑफ गेटिंग डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हु हैव अंडरगोन सर्जरी, सो ऑप्शन ए गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, हिप एंड नी सर्जरी, नेक्स्ट एब्डोमिनल सर्जरी, नेक्स्ट न्यूरो सर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है एमसीक्यू का, डैश ग्रुप ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इज वाइडली यूज्ड एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट, सो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है डाइज, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड्स, ऑप्शन सी है हैलोजन्स और ऑप्शन डी है अल्कोहल्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डोनिंग ऑफ फुल पीपीई किट आर, तो ए है एप्रोन मास्क आई प्रोटेक्शन ग्लव्स, बी है मास्क आई प्रोटेक्शन एप्रोन ग्लव्स, सी है आई प्रोटेक्शन एप्रोन ग्लव्स और मास्क, और डी है ग्लव्स मास्क आई प्रोटेक्शन एंड एप्रोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 के, स्पेसिमेन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सिफिलिस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम अ लीजन ऑन, ऑप्शन ए ग्लास स्लाइड्स, ऑप्शन बी है कल्चर्ड प्लेट, सी है कल्चर्ड ट्यूब और डी है ऑर्डिनरी बॉटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 कि व्हेन अ पेशेंट हैड ट्रांसप्लांट सर्जरी ही रिक्वायर्स डैश टाइप ऑफ आइसोलेशन, ए है टिश्यू ट्रांसमिशन आइसोलेशन, बी है एयरबोर्न आइसोलेशन, सी है एब्सोल्यूट आइसोलेशन, डी है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन. सो इतने सारे जो है क्वेश्चन आपके आए थे इन्फेक्शन एंड माइक्रो कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप देख सकते हैं. और इस तरीके से जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के आप एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन एंड कंट्रोल में, क्योंकि इसमें मैंने कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिस्ट आउट करा था अकॉर्डिंग टू सिलेबस को देखते हुए, और कुछ जो क्वेश्चन है वो मैच कर गए थे इस क्वेश्चन पेपर से. तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ चीज़ें. सो गाइज, यहाँ पे इन्फेक्शन एंड कंट्रोल एंड सेफ्टी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने कुछ लिस्ट आउट करा था. तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है क्योंकि आपका प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आपका पूरा सिलेबस पढ़ना होता है. सो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन करके और शॉर्ट क्वेश्चन करके कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे व्हाट इज़ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस. ठीक है, सेकंड है आपका व्हाट इज़ यूटीआई एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, और थर्ड है आपका व्हाट इज़ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड राइट अबाउट डोनिंग एंड डोफिंग. डोनिंग एंड डोफिंग एक सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है. नेक्स्ट आपका राइट द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग और व्हाट आर द हैंड मूवमेंट्स. हैंड जो वॉशिंग है और हैंड मूवमेंट्स के जो स्टेप्स हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो ये दो सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो दोनों मैंने इसको अटैच कर दिया है. आप चाहो तो अलग अलग इसको करके आप आंसर जो है कि अपना बना सकते हो. नेक्स्ट डिफाइन स्टरलाइजेशंस एंड देयर क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ HA UTI SSI एंड VAE. सो ये जो फुल फॉर्म दिए गए हैं तो आप सिलेबस जब आप देखोगे तो सिलेबस के अंदर ही आता है हर एक चीज़ जो है ये सब चीज़ें, तो आप उनको भी पढ़ना है ताकि जो MCQ के तौर पे इन सब क्वेश्चन ये जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शंस. नेक्स्ट है डिस्क्राइब बी MW एंड देयर टाइप्स. प्रिवेंशन ऑफ MRSA MRSA, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में ही है, आप देखना सर्च करना सिलेबस अगर आपके पास होगा तो. ऑब्वियसली बात है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, विदाउट सिलेबस आप चीज़ें जो है कवर नहीं कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं फिर. इसमें कुछ चीज़ें हैं मैंने माइक्रोबायोलॉजी के भी इंक्लूड कर दिए हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है.
ठीक है। और ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, जरूरी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आए, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि जो चीज़ें आसान हो जाएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने कर दिया डीबीटी क्या होता है, सर्जिकल सेफ्टी क्या होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम HAI ये क्या होता है, डिफाइन RCA एंड कापा CAP ये कह सकते हो, एनलिस्ट द IPSG यानी इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो इसके सिक्स गोल थे पहले, अब 7 हो गए हैं, तो ये चीज़ें हैं आपके। डीबीटी मैंने वापस से लिख दिया है, और 5S क्या होता है आपके सिलेबस में है, यूनिट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर सेफ्टी क्या होता है, हैजमेट सेफ्टी क्या होता है, स्पिल मैनेजमेंट क्या होगा, इमरजेंसी कोड्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेशंस क्या होते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड देयर मैनेजमेंट, इसी के अंदर आ जाता है कि जो फायर होते हैं तो फायर से हम कैसे प्रिवेंट करें या बचाव कैसे करें पेशेंट्स को, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है, इसे कैसे बचे, और एक दो चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यहाँ पे एनलिस्ट द इक्विपमेंट्स, या फिर कम से कम 7-8 या कम से कम 10 जो है आप इक्विपमेंट्स बता सकते हैं, या ICU में जो होते हैं, या फिर फिज़िकल फैसिलिटीज़ क्या होते हैं ICU के, ये सब चीज़ें। ग्राम स्टेनिंग जो है वो आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, एक दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑटो क्लेविंग क्या होता है, और इसके अलावा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक जो है, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, ग्राम स्टेनिंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है और 18 है, ये माइक्रो का पार्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हैंड हाइजीन क्या होता है, और वापस मैंने जो फुल फॉर्म दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जब आप सिलेबस उठा के देखोगे थर्ड सेमेस्टर का, तो आपको ये सारे फुल फॉर्म मिल जाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा जो है लास्ट में जोड़ दिया है, यहाँ पे SDU NICU लास्ट वाला पोर्शन देखोगे तो, बाकी HAI SSI VAE ठीक है, CLABSI PPE BMW MRSAM MDRO DVT RCA CAPA CAPA यानी IPSG और ICU NICU SDU, ये सब मैंने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किए थे, ताकि इसके बेस पे जो है जो बच्चे सिलेबस कवर नहीं कर पाते या उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने चाहिए, तो उसके बेस पे जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिस्ट आउट कर दिया है। सो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी आने वाला है जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और भी है, मैं अभी और अपलोड कर दूँगी, और आज तो बच्चों की छुट्टी है, और अगले दिन यानी कल जो है वापस एग्ज़ाम है 24 तारीख को, 24 अगस्त को, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, तो उसका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।